हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेके जाने वाली हूँ माउंट आबू। जी हाँ, अहमदाबाद से माउंट आबू हमने कवर किया बाइक पे, हमारी फर्स्ट बाइक राइड, एंड वी ऑलमोस्ट कवर 250-260 किलोमीटर्स। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था हमारे लिए, फर्स्ट टाइम। एंड यस, हमने जब ये बाइक राइड करी तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ एंड प्रॉपर गैजेट सबके साथ किया कि हमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। प्रॉपर तरीके से प्लान करके ही हमने ये बाइक राइड की और माउंट आबू गए ऑन बाइक, तो बहुत ही मज़ा आ गया था। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे 8 बजे माउंट आबू के लिए, और जनवरी का टाइम है ये, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे थे माउंट आबू। हमने सोचा कुछ एडवेंचरस हो जाए, तो इस तरीके से हम निकल गए थे राइड बाइक पे सुबह 8 बजे। ठंडा ठंडा मौसम था, अच्छे से अपने आप को पैक कर लिया था हमने विंटर क्लोथ्स में, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वी केप्ट आर सेल्फ वेरी लाइट। खाने में ये सब में अपने आप को बहुत ही लाइट रखा था हमने, एंड दिस इज़ हाउ वी पैक्ड आर बाइक। ये देखिए, पीछे लगेज था हमारा जिसके अंदर हमने 2 दिन के जो कपड़े थे वो रखे थे। ये पीछे है कैमरा बैग, वो है लैपटॉप बैग नीरज का, अगर कोई भी काम वगैरह एकदम आ जाए उसके लिए। एंड ये बीच में हमने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था फॉर एयर चेक, और उसके बाद हमने डायरेक्ट ब्रेक लिया था मेहसाना। अराउंड 50-60 किलोमीटर्स के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और उसके बाद 50-60 किलोमीटर्स के बाद हमने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया था। एंड गाइस, सच में क्या एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा मौसम था, और आसपास का व्यू देखते देखते हम इस तरीके से पहुंचे। और ये हमने आगे गैजेट रखा हुआ था जिससे हम मैप देख रहे थे, सो दैट कोई भी प्रॉपर डिफ़िकल्टी ना हो मुझे। तो व्यू इन्जॉय करते करते हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच गए जो है मेहसाना, और ब्लिस वाटर पार्क है, और उसी का ये ब्लिस फूड कोर्ट है। एंड गाइस, बहुत ही बढ़िया फूड कोर्ट, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्नैक्स इफ़ यू वांट टू हैव लंच और डिनर, कुछ भी, टी वगैरह, लाइट, कुछ भी खाना हो आप आराम से खा सकते हैं। एंड अराउंड 11 बज रहे थे, हमारा पहला स्टॉप था, एंड वी डिसाइडेड कि यहाँ पर हाफ एन आवर का आराम से ब्रेक लेंगे, फ्रेश होंगे, लेग स्ट्रेच और ये सब प्रॉपर करके ही आगे बढ़ेंगे। एंड बस हमें यहाँ पे अभी भी अपने आप को पूरा स्टफ नहीं करना था, हमने यहाँ पे भी नॉर्मल ऑप्शन ही चूज़ किया जिससे हम अपने आप को लाइट रख सकें अपनी पूरी जर्नी के लिए। तो चलिए अब सैंडविच भी खा लेते हैं इसके, हमें तो सैंडविचेस, जय भवानी के चीज़ सैंडविचेस बहुत ही पसंद है, ओवरलोड होते हैं चीज़ से। ये आपको मैं एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ, तो ये हमारा फेवरेट है, हमें जहाँ पे भी जय भवानी दिखता है अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो तो हम यही खाते हैं। तो ये चीज़ गार्लिक सैंडविच हमने लिए यहाँ जय भवानी से, और जैसे मैंने आगे बताया चाय है टी पोस्ट से, चाय का रेट था 15 रुपीज़ हाफ टी, एंड ये है 100 रुपीज़ का गार्लिक चीज़ गार्लिक सैंडविच। तो लेट अस ट्राई, बहुत ही अच्छी जगह है वैसे। तो गाइस, हम ये इन्जॉय करते हैं और फिर आपको चलते हैं आगे, और फिर आपको आगे का दिखाते हैं। तो गाइज, इस तरीके से हम फिर से पैक हो गए, एंड अराउंड 11:30 बज रहे थे, एंड बहुत ही बढ़िया फूड कोर्ट है, आप यहाँ आएँ तो आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे रिलैक्स होने के लिए। वॉशरूम एकदम क्लीन थे, एंड अच्छे से हम फ्रेश होकर आगे की जर्नी के लिए निकले। हमने सोचा था कि पालनपुर एरिया रुकेंगे मे बी फॉर लंच, बट हमें कोई इतना ऑप्शन नहीं दिखा, देन वी जस्ट हैड कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। और सीरियसली बहुत ही अच्छा ये हमने सोचा, अपने आप को स्टफ़ नहीं करा, अदरवाइज धूप के चक्कर में तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, ऑल्दो ठंडा मौसम था, बट स्टिल अगर आप अपने आप को स्टफ़ कर लें या ज़्यादा खा लें तो आपको धूप में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। सो मेक श्योर आप अपने आप को लाइट रखें और आप आराम से सब कुछ इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए, ये पहुँच गए हम माउंट आबू रोड पे, एंड ये माउंट आबू रोड है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले सोचा भूख क्योंकि लग रही थी सच में बहुत ज़्यादा, टाइम भी ऐसा हो गया था, बट फिर भी हमने सोचा नहीं अभी ऊपर हिल्स पे चढ़ना है तो अभी ना खाएं तो ही बेटर ऑप्शन है। तो ये देखिए, स्टार्ट हो गया हमारा हिली एरिया, वाओ
क्या बढ़िया मौसम और ठंडक, ठंड बढ़ रही थी जैसे ऊपर जा रहे थे, एंड बाइक पे क्या मज़ा आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा मंकीज़ होते हैं यहाँ पे, अपना सामान थोड़ा बचा के रखें। एंड क्या व्यू था, क्या सीनिक व्यू था, मज़ेदार, इतना सुंदर लग रहा था। और बाइक पे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, कार में इतना इंजॉय नहीं कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत मज़ेदार, आप देखिए कितना सुंदर। और थोड़ा थोड़ा बीच में शूट और बीच में थक रहे थे गाइस, हमने ब्रेक्स लिए थे, फर्स्ट टाइम हमारी राइड थी तो बीच में हम लोग ब्रेक ले रहे थे, इसलिए हमें 2-2.5 घंटे हम लेट पहुँचे, जो आप कार से पहुँच सकते हैं जितने आवर्स में उससे ज़्यादा हमें टाइम लगा। बट ठीक है, ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही मज़ेदार था। एंड बस अब ये हो गया है स्टार्ट, माउंट आबू के यहाँ से होटल्स स्टार्ट हो गए हैं, हम पहुँच गए फाइनली। एंड बस और कुछ मिनट के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन, अपने होटल पहुँच जाएंगे। बहुत ही सुंदर व्यू, एकदम क्लीन एंड बहुत प्यारा वेदर। तो बस अब हम पहुँच रहे हैं अपने होटल। तो हम रुके थे ये होटल सिल्वर ओक, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी, बहुत ह्यूज प्रॉपर्टी नहीं है बट बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी, कोजी सी प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे इस तरीके से कॉटेज सिस्टम, कॉटेज रूम्स टाइप बने हुए थे जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। थोड़ा सा आपको रूम टूर भी दिखाऊंगी, और भी बहुत चीज़ें थी यहाँ पे एक्स्ट्रा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो गाइज अब हम होटल रूम में पहुंच गए हैं अपने, और बहुत ही कोजी सा रूम है। तो आपको जल्दी से अपना एक बार रूम दिखाती हूँ, और हमें भूख लग रही थी, हमने कुछ ऑर्डर भी किया है इनके कैफे से ही, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके हम जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे, बाहर ऑब्वियसली जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से आपको रूम दिखाती हूँ, बहुत प्यारा कोजी सा। अच्छा तो गाइज ये हमारा ऑर्डर आ गया है, मंचूरियन और नूडल्स, देखने में बहुत एकदम क्रिस्पी है, गरम मीठी थोड़ी लग रही है मुझे, तो मंचूरियन अच्छा है, नूडल्स एक्चुअली क्या मुझे मोटी लग रही है बहुत, तो देखती हूँ एक बार इसका भी टेस्ट। सीज़वान नूडल्स मंगवाई थी बट ये भी मीठी है, तो नूडल्स तो नहीं बट हाँ मंचूरियन अच्छा है, तो हम इसको दोनों को कंबाइन करके खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं और आपको जल्दी मिलते हैं। तो गाइस हम रेडी हो गए, रेडी इन द सेंस थोड़े से फ्रेश हो गए हैं, और 6:30 बज रहे हैं और हम बाहर जाने लगे हैं, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आज कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टायर्ड थे और थोड़ा सा रेस्ट किया, तो चलिए आपको मार्केट लेके चलते हैं माउंट आबू की। तो गाइस बहुत ही कलरफुल मार्केट है, मतलब आप शिमला मनाली गए होंगे तो आपको जो मॉल रोड वाला टाइप याद होगा, हर हिल स्टेशन में वैसी ही मार्केट होती है। यहाँ का लोकल स्टफ़ मिल जाएगा आपको, खाने पीने का बहुत स्टफ़ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम जहाँ रुके वो रुके ये पंडित जी, इनके यहाँ पर बढ़िया सी मिलती है गर्मा गर्म रबड़ी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, बहुत ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली गर्म रबड़ी, जी हाँ गर्म रबड़ी, ओ गॉड देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही थी, एकदम कैरमलाइज लुक था। तो चलिए इसको टेस्ट करती हूँ, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है, देख सकते हैं इस तरह से मलाई, और बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल इसकी बहुत थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, और एकदम कड़ा हुआ दूध है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इतना जो ग्लास है ये 70 रुपीस का है, और मज़ेदार टेस्ट है, बहुत भीड़ है और बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आ गया, और बहुत ना कोसी सी है, बहुत गर्म नहीं है। और अब इसको हम ख़त्म करते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत बढ़िया, ज़रूर आई आप इधर आते तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, वेरी यमी, बहुत ही बढ़िया, मस्ट ट्राई, गर्म वाली रबड़ी आप ज़रूर ट्राई करिए। तो इनके ट्राई कर लेते हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन, जिसकी कॉस्ट थी 2 पीस की 30 रुपीस, तो चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो
गाइस ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी ले लिया, बिल्कुल रिजिस्ट नहीं हो रहा था, मन बहुत कर रहा था, एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए मैं अंदर से दिखाती हूँ, वैसे अंदर कुछ नहीं है बट इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्म गर्म। 30 रुपीज़ है इसकी कॉस्ट, 2 गुलाब जामुन की। तो वाओ, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ, लजीजदार, बहुत ही बढ़िया है। टू गुड, बहुत मज़ेदार। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो आप रेजिस्ट ही नहीं कर सकते सर्दियों में, मज़ा आ गया, उसको ख़त्म करते हैं हम। गाइस गुलाब जामुन खा के हम थोड़ा सा घूमें, अलग अलग आपको ईटिंग जॉइंट्स मिल जाएंगे, नॉन वेज ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे, छोटी छोटी रेड़ियाँ मिलेंगी आपको जो ऑमलेट और मैगी सर्व करते हैं, एंड यहाँ की जंग ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी, मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे जुत्तीज़ बहुत ही ऑप्शंस थे यहाँ पे, एक दो शॉप तो बहुत अच्छी थी बट मुझे मेरा साइज़ नहीं मिल पाया वहाँ पे, मैंने देखा मुझे 2-3 पीस जो पसंद आए, जो मुझे पसंद आ रहे थे उनमें साइज अवेलेबल नहीं थे। इसलिए घूमते घूमते हम जा रहे हैं टूवर्ड्स नक्की लेक, जी हाँ, जो बहुत ही सुंदर सा लेक टाइप है, आप देख सकते हैं आपको सामने थोड़ा सा दिख रहा होगा पानी, हम वहीं पे जा रहे हैं वॉक करते करते, एंड इंजॉय कर रहे थे मार्केट लाइटिंग एंड एवरीथिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, मतलब आप बोट राइड कर सकते हैं इस तरीके से, ये वाला बैलून वाला भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड ये रात को हो रही थी, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा अंधेरे में, ऑल दो बहुत लाइटिंग थी, पार्क था, बहुत लोग बैठे थे, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे। एंड नेक्स्ट फिर हम ट्राई करने के लिए नक्की लेक के पास ही था ये आइसक्रीम जो बहुत ही फेमस था, चलिए ट्राई करते हैं। 5 बजे तक। सो ये ब्लैक करंट फ्लेवर है, सो ह्यूज, 40 रुपीज़ है इसकी कॉस्ट। क्या हुआ? अच्छी है, वो बचपन में जैसे हम खाते थे सॉफ्टीज, बिल्कुल ऐसी है ये। अच्छी है, ठीक है, 40 रुपीज़ में। इतनी भीड़ है यहाँ पे तो हमें लगा कि ट्राई करते हैं ऐसी क्या यूनिक चीज़ है। तो बचपन में जैसे हम सॉफ्टीज खा रहे थे बिल्कुल वैसा टेस्ट है, वनीला, और ऊपर ये जो थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये ब्लैक करंट सिरप होगा। तो हाँ, अच्छी है, ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं इस वेदर में आप। तो गाइज़ अब इसके बाद नीरज का चॉकलेट फ्लेवर भी ट्राई करने का मन कर रहा था, 80-70 रुपीज़ कॉस्ट थी सब चॉकलेट फ्लेवर्स की। एंड लेट्स सी, अब हम आपको दिखाते हैं हमने क्या खाया। तो ये चोको फज है बट किटकैट में भी सेम ही दिख रहा था ये फोटो में, तो बढ़िया है यार। बहुत ही यूनिक फ्लेवर है, अच्छा लग रहा है, ऑरेंज सॉल अच्छा है। कितने का है? 80 रुपीज़ का है। ये भी अभी पड़ी है, ये भी खाने लगी हूँ। ओके ओके, मुझे इतना नीरज को चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, उसे अच्छी लगी है, मुझे इतनी पसंद है, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा टेस्ट। तो गाइस घूमते घूमते मार्केट, और फिर हमने डिसाइड करा अब डिनर कर लेते हैं, भूख भी लग पड़ी थी, थोड़ा थोड़ा हम चल रहे थे, घूम रहे थे। एंड हम आ गए हैं अर्बुदा होटल, एंड दिस इज़ 100% वेजिटेरियन, दे सर्व वेजिटेरियन फूड, 100% वेज ऑप्शंस, काफ़ी बड़ा अच्छा आउट जॉइंट लग रहा था वेजिटेरियन खाने के लिए। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। गाइस अब हम
कुछ ऑर्डर कर दिया है। हमने क्या ऑर्डर किया है, पनीर टिक्का मसाला, सेव टमाटो मुझे बहुत पसंद आता है, तो यहाँ पे विंटर स्पेशल में लिखा था तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। साथ में हमने मंगवाई है बटर रोटी एंड बटर नान, तो देखते हैं भूख तो लगी हुई है कैसा होता है सबका टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो ये अब हमारा खाना आ गया था, दोनों ग्रेवीज ऑलमोस्ट सेम लग रही थी बट गर्मा गर्म था तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, तो चलिए खाते हैं इसको, मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसा है ये। एंड यस गाइस, सॉरी फॉर द नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही, क्योंकि फुल भरा हुआ था होटल एंड काफ़ी शोर था, तो सॉरी मैं आगे टेस्टिंग आपको लाइव दिखा रही हूँ। हमारी ये सब्जी आ गई है, अब ये देख सकते हैं ये है सेव टमाटर नुशाक जिसको कहते हैं, सेव टमाटर की सब्जी, सेव है, टमाटर की ग्रेवी है। तो ये मैं लेती हूँ थोड़ी सी, साथ में हमने मंगवाया है तो क्वांटिटी तो अच्छी है। ये है पनीर टिक्का मसाला और ओह माय गॉड, इसमें बहुत बड़े बड़े चंक्स हैं एकदम पनीर के, थोड़ी सी ग्रेवी ले रही हूँ मैं। बस गाइज, इसके बाद हम थोड़ा सा और ऐसे ही मार्केट घूमे और इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, थके हुए थे और अगले दिन के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू आवर होटल और रेस्ट करेंगे, अच्छे से नींद पूरी लेंगे सो दैट कल भी हम आराम से इंजॉय कर सके पूरा का पूरा दिन। तो आई होप आपको ये डे वन माउंट आबू का बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जितना शेयर कर सकते शेयर करिए। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा एंड डू कमेंट ऑल्सो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।